टीम तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 महीने से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऑब्वियसली हम लोग कलकत्ता लीग तो खेला ही है, लेकिन बीच में डोरेंट है, लेकिन डोरेंट एक डिफरेंट टूर्नामेंट है, यहाँ पे कंपटीशन डिफरेंट है, टीम्स डिफरेंट है। तो कल जो हमारा मैच है, मतलब हमारी जो कंट्री का बेस्ट टीम है उसके साथ है, तो हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो प्लेयर्स को वही बोला है कि जो हम जैसा हमारा स्टाइल है, जो हम खेलना चाहते हैं, तो हमको वैसे ही खेलना है। तो हम हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा फुटबॉल है हम वो वहाँ पे दिखाएं कल। फॉरेनर्स लोग इंक्लूड, हाँ कोशिश तो यही है, फॉरेनर तो खेलेंगे, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये अभी जल्दी आ गए हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमने 2 महीने से जैसे मैंने बताया कि सीज़न स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी एलेक्सिस और कासिमो तो 1 हफ्ता हुआ, जोसेफ तो 4-5 दिन हो गए, तो अभी ये लोग जितना मुझे लगता है कि फॉरेनर्स बहुत कोऑपरेटिव भी है और एडजस्ट करने की कोशिश जल्दी कर रहे हैं, तो 4-5 मिनट में हमने देखा कि ये लोग बहुत अच्छा कंबाइन हो गए हैं प्लेयर्स के साथ। कोशिश यही है कि स्टार्ट करें, लेकिन कल सुबह मॉर्निंग में पता चलेगा, नहीं चाहिए बिकॉज वी हैव गॉट क्वालिटी फॉरेनर्स, ऐसा नहीं कि फॉरेनर्स वहाँ से हमने मतलब देख के लिया है और हम लोग एक्सपेक्टेशन हाई है फॉरेनर्स के ऊपर, और जिस तरीके से मैं बताया हूँ कि 4-5 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी अडेप्टिव, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो लोग जल्दी जल्दी उसमें आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मैच हमने चेन्नई के साथ खेला भी जिसमें और जोसेफ ने अभी ज़्यादा किया नहीं है, जोसेफ का कल पहला मैच है, जोसेफ पहले इंडिया में खेला हुआ है, एजवाल में था, तो उसको वो एशियन एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वो मुझे लगता है कि उसको बहुत हेल्प करेगी। अपोनेंट जानी, हम तो जानते हैं मुंबई CFC को, तो अब सब जानते हैं, तो देखते हैं मैच, देखते हैं, तो हमने मैचेस भी देखे हैं, प्लेयर्स ने भी देखे हैं, मालूम है कि बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ज़्यादा हमको वरी करना नहीं है, मैं जिस तरीके से हमने बताया कि हमको अपना फुटबॉल खेलना है वहाँ पे, कैसा हम अपना फुटबॉल दिखाएंगे वहाँ पे। जैसे कि आपने बोला टीडी है, तो उसके बारे में भी आपको तो मालूम है, थंके और टीडी के बारे में, तो उसको रोकने के लिए कोई आपका प्लान नहीं? मुझे नहीं लगता है कि 2 प्लेयर वहाँ पे सिर्फ अच्छे हैं, मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप मुंबई CFC देखोगे पूरी टीम ही अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि चांगते या टिरी 2 ही प्लेयर वहाँ पे खेल रहे हैं। मुंबई CFC ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड टीम, लेकिन हमने भी पूरी तैयारी की है अपनी तरफ से, और कल देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वहाँ से रिजल्ट ले सकें। मैसेज फॉर द सपोर्टर्स, दे हैव बीन फैंटास्टिक, पहले दिन से हमारे पास आ रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहा है मोमडन स्पोर्टिंग का इस सीज़न, क्योंकि जब ये यंग टीम हमने बनाई तो हम यही चाहते थे कि जो हमारे फैंस है, सपोर्टर्स है, इसको देखें, और बहुत ही खुशी की बात है कि सपोर्टर्स आए हैं, उन्होंने प्लेयर्स को सपोर्ट किया, टीम को सपोर्ट किया, और टीम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम एक्सपेक्ट तो मैं पर्सनली ये कर रहा हूँ कि कल बहुत सारे सपोर्टर्स आएंगे वहाँ पे और अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मैच है टुमारो, ओबियसली प्रेशर तो होना ही है, लेकिन प्लेयर्स को मैं चाहता हूँ कि प्लेयर्स वो प्रेशर एन्जॉय करें, प्रेशर लेके वो फुटबॉल खेले, वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू टुमारो। इंजुरी स्टेटस, इंजुरीज, बरेटो इज़ इंजर्ड, बरेटो विल नॉट बी द पार्ट ऑफ टुमारोज़ गेम, क्योंकि लास्ट मैच में उसको लग गया था, और बाकी सब तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, कल सुबह जो मेन फाइनल जो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। इट विल बी अ बिग लॉस, बेरेटो इज अ रेगुलर इन द, नहीं बेरेटो ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी प्लेयर्स के लिए भी एक मौका मिलता है दिखाने का, तो कल सरकार होगा, एलेक्सिस होगा, उनके लिए भी एक मौका है परफॉर्म करने का। सरकार मीन्स अभिजीत सर, अभिजीत सरकार, हाँ थैंक यू।